पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सजनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र आने का लाभ उठाइएगा। आपकी ओर से एक प्रश्न है, बड़ी गंभीरता पूर्वक आपने प्रश्न किया है। आप सबका लाभ होगा, उत्तर देता हूं श्री गीता जी के आधार पर। सुनिए जरा आप भाइयों और माताओं का प्रश्न। सत्संग में आने से इतना तो भली प्रकार पता लग गया, ये प्रश्न है आपका, कि यथार्थ कल्याण जीव का अंतर मुक्ता में है। पूर्ण शांति जीव को अंतर्मुखी हो जाने से ही मिलती है, किंतु एक बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाती है। ये सुख भगवान ने कुर्बानी से क्यों बनाया है, देर के बाद ये सुख क्यों मिलता है? इतना मन तो हमारा सबर करता नहीं, हम जान भी गए मान भी गए, फिर भी हमारा मन अधिकतर बार मुख्ता में गए। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होकर अंदर से रस ले रहे। अति सुंदर, अति सुंदर। अब मैं फिर एकाग्रता के लिए कहूंगा, आप एकाग्र रहिए, मैं आपके आने को सफल करने की पूरी चेष्टा करूंगा। अब मैं इसके शीर्षक बना लेता हूं, सच्चा सुख। ठीक है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जो आपने कहा मेरे सिर आंखों पर, मोटे तौर पर देखा जाए, आपने इतना सुना, इतनी गीता जी पढ़ी और भी धार्मिक शास्त्र अपनी भवन की लाइब्रेरी से लेकर आपने खूब पढ़े, पढ़ भी रहेंगे। इन दिनों देव ऋषि नारद महाराज जी का भक्ति संबंधी ठोस लाभ भी हम सुन रहे गए, ये सब ठीक। तो ये सारी बातें सामने रखते हुए और देखा जाए तो प्रकृति में दो ही तो तत्व हैं, एक प्रकृति और एक भगवान। इसी दूसरे शब्दों में हम अपनी बुद्धि को समझाने के लिए कहते हैं जड़ और चेतन। चारों ओर ये दोनों काम कर रहे हैं। प्रकृति अपने आप में जड़ है, जड़ वो चीज होती है जिसमें जान ना हो, नॉन लिविंग। और भगवान वो तत्व है जिसमें पूरी शक्ति हो। किसी हद तक साइंस वालों ने इसे दो शब्दों से पुकारा,
मैटर प्लस एनर्जी, ये दो चीजें चारों ओर काम कर रही हैं। मैटर अपने आप में कुछ नहीं होता, इसे हम जड़ कहते हैं। एनर्जी ही मैटर में मिलकर मैटर की जान प्राण बन जाती है। दूर को हम क्यों जाएं, हम अपने शरीर को ही ले लें। शरीर अपने आप में कुछ नहीं, ये साबित होता है तब जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और पिताजी धरती पर लिटाए जाते हैं, तो हम देखते हैं एक एक अंग जड़ बन के रह जाता है। जड़ तो पहले भी था, पर केवल भगवान की दिव्य शक्ति के कारण से ये हमें हरकत में दिखाई देता था। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, तो अब माने बिना हमारी बुद्धि और मन रह नहीं सकते कि जब हम कहते हैं फला मर गया, उसका एक ही अर्थ है, चेतनता ने, पावर ने, एनर्जी ने शरीर को छोड़ दिया। और शरीर जू का तू पड़ा हुआ है। वैसे भी डॉक्टरों ने एक्सरे लेके और ऑपरेट करके देख लिया, 4.5 महीने जो शरीर मां के गर्भ में बनता है बिल्कुल जड़ होता है। 4.5 महीने के बाद इसमें चेतनता प्रवेश करती है। जब एक एक अंग पूर्ण रूपेण बन जाता है, तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, इन दोनों का मिलाप है। भगवान कृष्ण इसे प्रकृति और पुरुष के नाम से पुकारते हैं, पर मैं आपसे कहूंगा आप जड़ और चेतन ही कहिए, जिससे जल्दी ग्रास्पिंग हो जाए। मैं अब गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपके प्रश्न के इर्द गिर्द परिक्रमा करवा रहा हूं। अधिकतर आज के नर नारी में 99% कह दूं जड़ से ही खुशी लेने की चेष्टा करती हैं, हालांकि जड़ अपने आप में खुशी दे नहीं सकती। जड़ तो जड़ ही है ना, जड़ में कोई जान नहीं, जड़ में कोई हरकत नहीं, जड़ में कोई प्राण नहीं, जड़ में कोई खुशी नहीं। जड़ तो एक मिट्टी के ढेले की तरह होता है, तो फिर इससे खुशी जल्दी कैसे मिल जाती है? ध्यान देना, अपने महर्षि वेदव्यास जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता माने जाते हैं, एक बात बहुत ध्यान देना, कितनी हैरानगी की बात है कि जड़ अपने आप में जड़ है, उसमें कोई जान नहीं, तो बेजान चीज हमें शांति कैसे देती है, हमें खुशी कैसे देती है? सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, बकवास कर रहा हूं फिर शायद प्रभु क्षमा ना करें। जब मनुष्य जाति उत्पन्न हो रही थी, इंसान का बच्चा जब 9 महीने के बाद इस धरती के सूर्य को देखने की चेष्टा करता है, उस डिलीवरी के टाइम बहुत ही अच्छा होता यदि भगवान जी इसके कान में अपने प्रेम की बात फूंक देते कि तेरा कल्याण मेरे प्रेम में या भगवान की भक्ति में है, जाओ मेरे जहान में थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अपना ध्यान मेरे में लगाए रखना। भाई इतनी सी बात भगवान जी फूंक देते, ये दुनिया का नक्शा ही कुछ और का और होता, बहुत शानदार स्वर्ग या उतरा हुआ होता, हमें पता ही ना होता। चिंता किसे कहती है, बेचैनी किसे कहती है, बेकरारी किसे कहती है, बीमारियां किसे कहती है, राग द्वेष किसे कहती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार
जितनी भी ये नकारात्मक वृत्तियां, ये किसी कहती नहीं, कोई हमें पता ना होता। विवेक, वैराग, भक्ति, प्रेम, सहानुभूति, दया, अहो, यही गुण चारों ओर फैले हुए होते और बड़े प्रेम पूर्वक एक दूसरे की सहायता करते हुए बड़ी खुशी के साथ चुटकियां मारते हुए इस जहान को हम छोड़ जाते। जीव ने मार खा ली इसी बात को ना मालूम ना होने के कारण से, जिसमें पूर्ण शांति है वो तो नजर नहीं आती और जिसमें शांति है नहीं वो पग पग में नजर आती है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, फिर ये मेरी पत्नी, ये मैं उसका पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा दोस्त, ये मेरी, फिर और फंसाने के लिए मेरी माँ के रिश्ते, ये मेरे पिताजी की ओर से रिश्ते, ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी झूठी मूठी क्या आटियां फाटियां गुलाटियां माटियां, ये कई मन जाती है अड़ोस पड़ोस में। हाँ, ये हमारी ताई जिसकी अभी तक समझ ना आई है, ये ताया आहा आहा आहा, ये ताया व्यर्थ में शोर मचाया, तो ये हमें उलझा देती है खूब। तो ये कमला जीव जिसको नहीं ज्ञान दिया गया, यही समझता है इनकी प्राप्ति में ही खुशी है। या किसी अमीर को देखेगा कार में चढ़े हुए, कार में बड़ी खुशी है। किसी बच्चे को पढ़ा हुआ देखो जरा क्या हो रहा है, पढ़ा हुआ तो ये पढ़ाई में बड़ी खुशी है। किसी ऑफिसर को देखेगा इतनी बड़ी औहदे को पदवी को ले लेने बड़ी खुशी है। अभी देखना एक नहीं अनेक पागल बनेंगे, जबकि फिर वोटिंग हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरू हो रही है। कितने ही पागल आपको पढ़े लिखे फिर आपको पागल नजर आएंगे। बड़े बड़े जिनको हम बड़े दाना कहती हैं इसी बात में उलझे हुए, इसकी बात के लेने में खुशी, इसके प्राप्त करने में खुशी। आप देखिए, क्योंकि समझ तो है नहीं, या तो भगवान जी जीव को ज्ञान देते, किसी को कुछ अटैक करना मेरे पर तो कर लो, या जीव को ज्ञान मिलता। जब जीव के पास ज्ञान नहीं तो ये खामखा बारमुखी हो जाता। आपके मकान को देखकर, आपकी दुकान को देखकर, आपके कारोबार को देखकर, आपके अच्छी नौकरी को देखकर, आपकी इज्जत को देखकर है, आपकी अच्छी सुंदर पत्नी को देखकर, आपके अच्छे अच्छे गोदी में बच्चों को देखकर ये अनुमान लगा लेता है जीव इनमें बड़ी खुशी है। जब ये यूं अनुमान लगाता है तो अंदर टिके हुए मन को भटका लेता है। सुनो व्यास जी की बात, मन टिका हुआ था, ठहरा हुआ था, लेकिन आपको अपने से ऊंचा देखकर ये देखता है नहीं, अपनी खुशी को गवाह बैठता है, नहीं ये मेरे से ज्यादा शांत है, इनकी शान ज्यादा है, अपने आप को भटकर में डाल लेता है। अब वो दिन रात एक करके उस पदार्थ को लेना चाहता है, उस नौकरी को लेना चाहता है, उस पढ़ाई को लेना चाहता है, है? उसके साथ शादी करना चाहता है, उधर ये अपने इधर ध्यान देना, अपने को भटका लिया, दूसरे को ज्यादा अच्छा देखा। जैसे हमारे यहां कहावत चलती है, प्राई गां दा हवाना वड्डा, चाहे अपनी गां का हवाना कितना ही हो और अपनी गैया 15 किलो दूध देती है और उसकी 10 किलो देती है, लेकिन उसके हवाने को देखकर क्या मुंह में पानी आ जाता है कि ये हमारी गाय से बहुत अच्छी है, दूसरे की चीज बड़ी अच्छी लगती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, और बाहर की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, शाबाश 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 शाबाश, ये अपनी कहावतें नहीं सुनी? हमारी गली में कितनी अच्छा महात्मा क्यों ना हो, ना बाहर के महात्मा कहेंगे हमारा कोई महात्मा है, है। महात्मा तो वो है जो हरिद्वार में बैठा हुआ है, हालांकि वो अभी इस मार्ग में लगा हुआ है। और भी कहावत सुनी आपके, क्या घर आए नाग ना पूजिए, नाग देवता जी घर में निकले हैं और खड़े हो गए आंगन में, वो ना पूजिए बांबी पूजन जाए,
जंगल में बेल पूजने के लिए जाएंगे पर घर आए नाग न पूजिए। घर में नाग देवता भी है उसकी कदर नहीं होती। घर आए नाग न पूजिए जब बाबी पूजन जाए, खासकर आम हमारे हिंदुओं में होता है। जब नाग पंचमी आती है आप जानते ही हैं। तो ये जीव, अज्ञानी जीव, मूढ़ जीव, मूर्ख जीव इस तरह अपने आप को भटकाता रहता है, मुझे वो चीज मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अब दिन रात एक कर देगा उसको प्राप्त करने में। ध्यान देना ये पॉइंट, ये बार मुखी हो गया। उनके पास ये चीजें बड़े शांत है, उनके पास फलानी मैंने अभी बता दिया वो बड़े, मेरे पास तो है ही नहीं। दिन रात एक करेगा। भगवान का नियम है क्या, जो भी चीज की आप चाहना करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे मेरे मालिक आपको दे देती है। मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। मेरी देवी और मेरे सज्जनों ये उनका अटल नियम है, एकांत तक सुनना। भगवान दे दिए, दे दिया चीज ले ली, क्या फौरन फौरन उस इष्ट वस्तु के प्राप्त करने के बाद ये भटका हुआ मन टिक गया। हमने कहा मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे बड़ी खुशी मिल गई। गलत, मैंने खुद अपने मन को भटकाया कि मुझे ये नौकरी चाहिए। वो चाहिए ने मेरे मन को भटका के रख दिया। अब वो क्या हुआ, वो नौकरी मिल गई तो मेरी जो बेचैनी थी वो दूर हो गई। मैंने ये समझा मुझे नौकरी मिल गई, मैंने बेवकूफी से अपने मन को भटका लिया उसकी चाहना करके। अगर हमारे मां बाप बहुत दना होते और हमें सिखा देते शुरू से ही कि अंतर्मुखी होने में ही सदा शांति है, तो मेरे ख्याल में जीव जब ये 10-12 साल का होता तो भगवान की जात में तलीन होता। मेरी बेटियां उच्च कोटि की भक्तिमती ज्ञानमती हो जाती। अगर मां बाप हमारे भगवान के प्यारे रियलाइज्ड सोल होते, अगर महाराज जी तक उनकी पहुंच होती। लेकिन ये तो कोई शुरू में नहीं बताता, कुछ समझाता ही नहीं, इसलिए मन आवारा गर्दी करता है, किसी भी आवारा कुत्ते की तरह या आवारा पशु की तरह। चीज मिलने से मन टिका हुआ है, हम समझती हैं मुझे इस चीज से शांति मिल रही है। हमने अपने जो भटकन थी अपने आप को टिका लिया। अगर चीज से खुशी थी, हा व्यास जी का फरमान ध्यान लो, अगर आप मन में बिठा सकते हैं तो 5-6 महीने हमने उसको कंज्यूम किया। प्राणी था, पदार्थ था, पत्नी थी, पति था, नौकरी थी या मकान अपना बनाया, जो भी चाहना करके जो अपने मन को हमने बेचैन बना लिया था उसको हमने ले लिया। अब उसके उपभोक्ता बने, कंज्यूमर बने। लेकिन 5-6 महीने के बाद दिवाला पिट गया, हमने देखा इससे कोई तृप्ति नहीं। हाय 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 हाय, पूरी यानी फुल सेटिस्फेक्शन इससे नहीं अचीव हो रही, इससे वो अटेनमेंट नहीं होती। फिर क्या हुआ, नालायक मन, चूंकि ज्ञान तो उसके पल्ले है नहीं, फिर किसी और को देखता है, वो मेरे से ज्यादा शांत है, अब एक और तमन्ना कर लेगा, फिर बेचैनी, फिर भटक चलेगा। सारी जिंदगी इसी तरह पकड़ छोड़ में रह जाती है। ये चीज मैंने ले ली, उसका मैं कंज्यूमर बना, मुझे पूरी शांति मिली, देन नेक्स्ट, देन थर्ड वन, फोर्थ वन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह मेरे सजनों में देवियों जी भटकता रहता है व्यास जी के अनुसार कई जन्मों तक। तो जीव हो गया पूर्ण पेड़ बारमुखी। बारमुखी का मतलब जो बाहर के प्राणी पदार्थों को सुख शांति का कारण मानी। समझी मेरी देवियों, बाहर के प्राणी पदार्थों को सुख शांति का माने। हालांकि शांति मिली कैसे, जब भटकन दूर की। पदार्थ ने शांति नहीं दी, भटकन ने दूर किया। मैं भटक गया था प्राणी तमन्ना करके, ये को ये तो बताया जाए उसी वक्त अंतरम को, अगर ये पता लगे है ये तो जो मेरे अंदर की भटकन दूर हुई, तो मर मेरा टिक गया, खुशी मुझे अंदर से मिल रही है। मैं समझ रहा हूं ये मेरी शादी हो गई, मैं समझ जो मैं चाहता मैं बीए हो गया, मैं समझ रही थी जो पीएचडी हो गई,
जो मैं समझ थी मुझे गलती यहां होती है, हालांकि इस कामना से मैंने भटकाया था, मेरी भटकन दूर हुई है, शांति मुझे अंदर से मिल रही है, पर मैं ये समझती हूं कि मुझे ये चीज मिल गई है तो शांति मिली, नहीं जी, उस चीज की तमन्ना करने से मेरा मन जो भटक गया था, भटकन दूर हुई। अब ये प्रकृति जानने नहीं देती, या मेरे भगवान मुझे दंड दे दे, परमात्मा जीव को ये राज समझने ही नहीं देते, मैं कितनी बकवास कर रहा हूं। ये सबसे पहले नुक्ता समझने वाला था कि कामना पूरी करने से भटकन दूर हुई है और शांति अंदर से मिल रही है, जबकि मन टिक गया। व्यास जी सुख दुख की परिभाषा क्या कहती है, मन के टिकाओ का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। कितनी अच्छी परिभाषा है ये, सुख क्या है मन के टिकाओ का नाम, दुख क्या है मन की भटकन का नाम। फिर हम अपने मन टिके हुए मन को भटका लेते हैं, टिके हुए मन को, हा नहीं क्यों, उसे पूरी खुशी नहीं मिली होती ना, ये तो पूरी और पूरी खुशी मिले अगर टिके हुए मन को अंतर्मुखी कर लेता। ये कुत्ते का दृष्टांत दिया गया, कितनी शर्म की बात है। एक कुत्ता बहुत ही भूखा था, 12:30 बजे तक धक्के खाता रहा, इस गली उस गली, यहां वहां तहां, आखिर वो बाहर आ गया, शहर से बाहर निकला, विषयक बार मुझे भगवान को चीज दे दे, और सचमुच एक झाड़ी के पास उसे हड्डी मिल गई, हड्डी बेचे। अब हड्डी पर मांस तो था नहीं, एक लकड़ी की तरह थी हड्डी, उसने उसको ले लिया और दो झाड़ियों के बीच में छिप के बैठ गया, हड्डी को अपने दो पैरों में लेके हां मारे ऊपर मुंह मारा, अब मुंह मारा रस ले रहा है, हड्डी में तो कोई रस ही नहीं। क्या दृष्टांत दिया है महापुरुषों ने, क्या किया, हड्डी में मुंह मारने से जबड़े से खून निकल आया, ये हमारा जबड़ा बेटी, जबड़ा हड्डी मुंह लगे, हड्डी तो सख्त थी लकड़ी की तरह, तो वो लगी जबड़े के साथ, जैसे कभी बुरश मारती हो तो खून निकलता है, इसी तरह हड्डी सख्त ने जबड़े को जख्मी कर दिया। अब खून कहां से आ रहा है, जबड़े से, और उसकी जीभ पर गिर रहा है, तो वो क्या समझता कुत्ता, क्या कि मुझे हड्डी से रस मिल रहा, पॉइंट को पकड़ो जरा, बहुत लाभ उठा रहा हूं। कुत्ता ये समझता है कि मुझे हड्डी से, फिर दोबारा मुंह मारता है, तीसरी बार इतना मुंह मारता है कि जबड़ा उसका जख्मी हो जाता है, बेचारा किसी चीज के खाने के काबल नहीं रहेगा कई दिनों तक। इस इंसान को खुशी तो अपने अंदर से मिलती है, जब मन की भटकन को दूर करता है, पर समझता है मुझे खुशी बीए से मिल गई, नौकरी से मिल गई, पत्नी से मिल गई, पति देव से मिल गई, मेरी गोदी में बच्चा आ गया, अगर ये बात थी तो दूसरी कामना क्यों की, अगर सचमुच वो चीज तो आपका पत्नी तो आपके पास है, फिर बेटे की तमन्ना क्यों की, अगर बेटे में खुशी थी दूसरे बेटे को पैदा क्यों किया, फिर अगर ये सारी चीजें थी तो फिर नौकरी नहीं लेने के तैयार क्यों गए, ये सारी चीजें आगे फिर नया प्लांट लेके मकान बनाने की तमन्ना क्यों कर रहे हो। इन चीजों में है कुछ नहीं, लेकिन ये बात कोई पल्ले नहीं बांधता, ना बुद्धि का विकास होता है, बस हम प्राणी पदार्थों को ही मानते हैं, सुखा होते नहीं है, हमने मान के भटका लिया अपने आप को। जैसे कुत्ता कह रहा है मुझे रस मिल रहा है हड्डी से, हड्डी में रस नहीं है, जबड़ों से रस निकल रहा, हड्डी में रस नहीं है बाबा, बिल्कुल ठीक, अपने जबड़ों से खून निकल रहा है और वो जीभ पर गिरता उसको रस लगता है। कुत्ता ये समझता है मिसअंडरस्टैंडिंग कि मुझे हड्डी से मिलता है चीज, प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने में खुशी नहीं, और नेक जीवों और नेक देवियों अपने मन को एकाग्र करने में खुशी है, एकाग्र होता है अंदर से, चमक आती है आत्मा की, है जैसे बिजली कौंधती है, कभी कभी आप आकाश में देखते हैं। हां अगर आपका मन टिका जा टिक जाता, कोई ये बता देता कि मन के टिकाओ में शांति है, तो फिर ये सावरता मन हमेशा कैसे टिके, मन भटके ना। जब ये बात 16 सत्य है मेरे सज्जनों मेरे देवियों के, मन के टिकाओ में शांति है, तो स्थाई रूप में मन कैसे टिके, फिर इस स्थान पर, इस क्रिटिकल प्रश्न पर आपको बताया जाता, अंतर्मुखी हो जाने में, अर्थात भगवान की ओर झुक जाने में। अंतर्मुखता में क्या पड़ा है, अंतर्मुखता में जीव की जान प्राण
आत्मा परमात्मा वो अंतर्मुखी रहता, सदन ही शांति मिलती। इस ये राज तो पता ही नहीं कि शांति घर परमात्मा है, और एकाग्रता जो मेरी हुई है वो प्राणी से नहीं, पदार्थ से नहीं हुई, टिकाओ से हुई है। टिकाओ से अंदर की झलक आती है आत्मा की, हम समझते हैं मेरी वो चीज मिली। अच्छा बाकी वो चीज मिली तो फिर दूसरी चीज ना तमन्ना करते। अगर सचमुच पत्नी से पति से प्राणी पदार्थ से कुछ ही मिल रही है फिर कोई कामना नहीं रहनी चाहिए थी। नहीं, चंद दिन के बाद वो नियम जो काम कर रहा है संसार में, बड़ा अजीब नियम, लॉ ऑफ डिमिशनिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। बच्चों जितने यंग बैठे हैं इस नियम को चूम के इसकी गहराई में जाओ। यह इकोनॉमिक्स का कितना चोटी का नियम है, अर्थशास्त्र का कितना सही बेटी, क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। किसी भी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करो उसकी वैल्यू घट जाती है। संसार के किसी प्राणी पदार्थ का आप उपभोक्ता बनिए तो धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू घटती जाएगी। चाहे माँ है चाहे बाप है, हाय चाहे बहन है चाहे भाई है चाहे पति है चाहे पत्नी है, नौकरी है, अपना शरीर है, या बहुत बढ़िया साड़ी है, या बहुत बढ़िया मकान बनाया आपने 8 लाख का, जो जो आप उसमें रहते जाएंगे उसकी वैल्यू घटती जाएगी। जो रस आया था पहले नहीं, जो पति पत्नी खुशी लेते हैं एक महीना शादी के बाद, वो अगले महीने नहीं, तीसरे महीने नहीं, शायद पांचवे महीने तो गिले शिकवे शिकायत एक दिन शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ये एक नियम चला हुआ है, मन फिर भटक जाता है। क्यों? क्योंकि इन चीजों में परिवर्तन है। अगर ये चीजों में परिवर्तन का नियम ना होता तब तो आपका मन हमेशा टिका रहता, पर इनमें तो भगवान ने परिवर्तन बनाया। बाबा परिवर्तन क्यों बनाया? क्योंकि भगवान इन चीजों को 5 तत्वों में मिला देना चाहते हैं, इनका नाश कर देना चाहते हैं, इनको रखना नहीं चाहते। इसलिए परिवर्तन का मतलब मौत का पहला कदम। परिवर्तन इज इक्वल टू बेटी बाबा, परिवर्तन इज इक्वल टू मौत का पहला कदम। यह पहला कदम है मौत की ओर। अच्छा, मौत का पहला कदम, हां ये एक पहला स्टेप उठा मौत की ओर बढ़ने का। जब परिवर्तन जो हो रहा है तो परिवर्तन होता 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 वो चीजों जहां से आई थी 5 तत्वों में डिजॉल्व हो जाएंगी, 5 तत्वों मिल जाएगी। भगवान हर चीज को, मौत का मतलब 5 तत्वों में भेजना, जहां से बनी है, जिस चीज से ये चीजें बनी है 5 तत्वों से, उन्हीं वापस भेजना चाहती है। हर चीज में परिवर्तन है, किसी चीज को रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि नई चीज इंतजार कर रही है या आने के लिए। तो ये चीज यहां से जाए तो नई अपना स्थान ले ले, नया नया कोमल कोमल नोने नोने सोने सोने पत्ते इंतजार कर रही है क्या टहनी पे आने के लिए, और पुराने पत्ते अब गिरे तो नए पत्ते उस टहनियों में आए। ये प्रकृति का नियम है कि पुराने पत्ते गिरे और नए पत्ते उसका स्थान ले। ये प्रकृति का नियम है, दादा दादी मरे और उनकी कदर मेरे मां बाप ले। प्रकृति का नियम है कि मेरे मां बाप मरे और ये नन्हे मुन्ने लड़के बड़े होकर के वो स्थान ले। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये दौर ऐसे चल रहा है कि पहला हमारा इंडियन प्रेसिडेंट बादशाह मरे तो नए जो छोटी है नीचे वो अपर स्थान ले। मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर रोज रिटायर हो रहे हैं ताकि पिछले उनका स्थान पकड़े। हाय 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 हाय, रोज सैकड़ों व्यक्ति रिटायर हो रही हैं, और दूसरी ओर एक देखो रिटायर हो रही है, हाँ दूसरी ओर देखो नई भर्ती हो रही है। हर स्टेशन पर नई भर्ती, हर स्टेशन पर, और उधर दूसरी ओर देखिए रिटायर होते जा रहे। इधर एक साइबर देखिए, वाह परमात्मा तेरी निराले निराले काम। एक और नई भर्ती न्यू रिक्रूटमेंट और एक और रिटायर। देख लो बच्चे, अस्पताल में जाके देखिए क्या मौतें होती जा रही है,
आज से 15 दिन पहले ये मरीज आया था, वो 20 दिन पहले महीना लास्ट निकल, जल्दी निकालो, ले जाओ जल्दी, 4 पैर खाली जाए, नए मरीज डाले। देखो पुराने मरीज जो है मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और उधर चलिए मैटरनिटी वार्ड में वाह वा, 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 पैदा होते जा रही है। मां भी रो रही है दर्द के मारे, बच्चा भी दर्द के मारे, नया पैदा हुआ रो रही है। ये क्या हो रहा है? उधर मरते जा रही है, उधर मैटरनिटी वार्ड में नए नए पैदा होते जा रहे हैं। वाह, अब जिधर भी नजर मारोगे ये आना जाना जारी है, इसलिए हर जगह आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो भगवान ने क्या कहा, आप जैसे दाना जो सोच विचार करने वाले है, फिलोसफर है, थिंकर है, कहां इससे कुछ काम है? तो दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी भी इस राज को जानकर इन पे दिल नहीं लगाएगा। ये नियम कितना ओपन है, स्टिल इट इज सीक्रेट, इट इज ओपन। मैं क्या बकवास कर रहा हूं बेटी, इट इज ओपन स्टिल इट इज सीक्रेट। ये खुला है फिर भी ये राज है, जिसको हम खुला कहें उसको फिर राज भी कहें। आती समझ आपको कि नहीं, अकल पकड़ती है पढ़ी लिखी कि नहीं? राज तो हमेशा होता है जो बंद हो, जिसके बारे में हम जानकारी ना हो। है ये ओपन स्टिल इट इज सीक्रेट, है ये खुला फिर ये राज है। क्यों? हजारों लाखों को पता ही कोई नहीं, देखते हुए नहीं देखते, धक्के खाते हुए नहीं। ये क्या गजब हुआ पड़ा है, तजर्बा होता है फिर तजर्बे से शिक्षा लेते। शराबी अपनी शराब से शिक्षा ही नहीं ले रहा, तबाह होता जा रहा है, धन तबाह, सेहत तबाह, बाल बच्चे धक्के खा रहे हैं। पंजाब की गाड़ियों में अंदर देखा आपने, मैं तो नहीं जाता सफर करने, जो आपने बताया, अंदर पंजाबी के मोटे अक्षरों में लिखा होता है, जिंदा बापू पीवे दारू, पुत्र मारन उसने झाड़ू। पता है कि बच्चे धक्के खाते हैं, झाड़ू मारते हैं, फिर भी देख लो शराब बंद हो रही। पंजाब नंबर वन, पंजाब का रिकॉर्ड है कि मां दे पुत्रो जितनी असली शराब पीने है कोई पी के विखाए तो सही। ये बड़ी अच्छी बात है, उनका रिकॉर्ड है कि जो रिकॉर्ड हमने रखा है, हिंदुस्तान का कोई स्टेट हमारे रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। पता है तबाही है, पता है जीवों में तबाही है, कोई छोड़ता है? देखो माया का चक्कर, पता है कि ये जो आपके चलती है लाटरियां, ये नए प्रकार का जुआ है और तबाही होती जा रही है, कोई छोड़ते हैं? पता है कि लव अफेयर के अंदर क्या होता है, आखिर में तबाही होती है, लेकिन कोई छोड़ रहे लव अफेयर? पता है कत्ल हो जाने के बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और परिवार धक्के खाएगा, मेरी पत्नी रोएगी, मेरे बच्चे रुलनगे, कुत्तों के गुल्लर की तरह बच्चे रुलते हैं जिनके बाप जेल में हो चुके हैं। पता है फलाने का घर तबाह हो गया, फलाने एक कोई भी ऐसा गांव नहीं जिनके कोई ना कोई जेल में ना बैठे हो, तो कौन सा कत्ल रुक रहा है? नया कत्ल और तैयार होते जा रही है, नई स्कीमें बनती जा रही है। 10-10 हजार रुपया दे के ये 10 हजार के नोट पकड़ क्या करना है, और फलाने गांव में जाके फलाने को सूते हुए गोलियां मारा। आजकल यूं मारे जाते हैं रुपए के ऊपर, बेटे रुपयों पर लो 20 हजार पकड़ और फलाने को मार दिया, मार दूंगा। पता है कि इसके बाद पता भी लग जाता है, लेकिन कोई खत्म है? दुख भी जी पा रहा है फिर भी गो ऑन रिपीटिंग, गो ऑन रिपीटिंग, गो ऑन रिपीटिंग, कोई फुर्सता भी लग, ये क्या है? ये माया की है सब कार फरमाइया, ये माया ही करती है सब कुछ आइया। ये सब चक्कर, न कोई हमारी रत्ती परवाह न करे, हम कौन सा जनता को तंग करने जा रहे हैं कहीं? उनको वो अपने तजर्बों से ही लाभ नहीं उठाते, अपने तजर्बों से भी कोई लाभ नहीं उठा रहा। नारी अगर अपने तजर्बों से उठाती तो आपके सर की कसम मेरी बेटी तू सचमुच देवी बन जाती। कि नारी अगर ढीली हो चुकी है आजकल, नारी 3-4 दीवारी, आज नारी बाहर निकल आई है और उसका परिणाम देख भी रहे हो आप, कितनी अच्छी दिल, कोई परवाह कोई नहीं,
कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। हर महकमे में आप है, हर स्थान में आप है, आप क्या नाम है, पुलिस में भी आप है, चौराहे पर भी दिल्ली में आप खड़ी है, हाई हर महकमे में जा रही हो आप, हर जहाज के अंदर आप उड़ती हैं, वहां सेवा करती हैं, देख लीजिए एवरीवेयर। इसका परिणाम गवर्नमेंट भी देख रही है, इसका परिणाम कितना गंदा है। क्या परिणाम? जो भगवान ने कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, गम चिंता बेचैनी, और तीन प्रकार के गम, शारीरिक मानसिक और सामाजिक, फिर भी सब किए जा रहे हैं, सब बनाए जा रहे हैं। गुरुओं की वाणी भी हम पढ़ती हैं, इधर हम पढ़ते कर भला हो भला अंत बुरे का बुरा, मुंह से बोलते भी हैं, धर्म स्थानों में आवाजें निकलती हैं, फिर भी अब वही जनता उसी में लगी जा रही है। पता नहीं क्यों परमात्मा नहीं सोचता, गुरुद्वार कौन सा ऐसा गुरुद्वारा है जहां ये आवाज दिन में एक बार ना निकलती हो, मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो। ये तो परमात्मा का नियम है जो पातशाही ने प्रकट किया। क्या मंदी कमी जद कद मंदा ही हो चुका, मंदा कम उसका परिणाम, यह आपका नियम है किसका? साइंस का, फिजिक्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नियम है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इफ योर एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड, इफ योर एक्शन इज बैड, रिएक्शन मस्ट बी बैड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, ये सब कुछ जानते हुए भी इवन देन यू सी एंड परसीव रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, सब फिर इसको रिपीट किए जा रही है। तो जीव अपने तजर्बे से भी लाभ नहीं उठाता, क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं इस प्रश्न का, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। देख भी रहे हैं कि इसका परिणाम गंदा होगा, फिर भी वही झूठ मकर फ्रेम का परिणाम गंदा। खाते पकड़े जाती है दुकान से, गवर्नमेंट ले जाती है, बड़ा भारी जुर्माना होता है, तो कौन सा पड़ोस ने कोई शिक्षा प्राप्त कर ली? फिर भी दो खाते बना रखे, एक गवर्नमेंट का, एक ऊपर का खाता, एक नीचे का खाता। और सवेरे उठ के कौन से वो भगवान राम का नाम लेती हैं या कृष्ण का नाम, तो हरे कृष्ण ना। जब भी आजकल दुकानदार उठ के अंगड़ाई लेती है, या वही मानी तेरा आसरा, ढेर फिट्टे मुंह, हाथ जोड़ के यही कहते हैं, या बेईमानी तेरे आसरा। उनके दिमाग में ये फतूर है कि बेईमानी के बिना रुपया कमाया ही नहीं आ सकता। देख भी रहेंगे हरे कृष्ण, मैंने कहा हरे कृष्ण तो नहीं अगड़ाई लेके करते, या बेईमानी तेरा सहारा, शाबाश शाबाश शाबाश। ये सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों? माला जी जाने जिन्होंने दुनिया बनाई, जिन्होंने गीता में कह दिया, कहां इससे इंसान कोई पार हो। आगे कहते वो होता है कोई लाखों में एक आध, फकत पार मेरी केवल भगवान के प्यारे, जिन्होंने चोटे खा के सीख लिया। प्रश्न करने वालों, इंसान क्यों बार मुखी है? अज्ञानता के कारण से, दुख पाते हुए भी, क्योंकि इसलिए अंदर से खुशी नहीं मिलती, इसे गलती लगती है वो चीज मिल जाए। अगर ये समझ आ गया इनमें कुछ नहीं पड़ा, इनमें स्थायी शांति नहीं, क्योंकि हर चीज में परिवर्तन है, कभी ये बार मुखी ना होता, कभी ये अपने आप को बार धक्के ना देता, बिल्कुल हर इंसान अंतर्मुखी हो जाता, हर एक इंसान अपने आप को अंतर्मुखता में तलीन कर देता, हर एक। पर ये बात नहीं समाई जाती, दुख पाक के उल्टा फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं फलानी चीज को ले लूं, दुख पा भी रहा है, फिर नई चीज, क्या मैं नई चीज वो प्राप्त कर लूं फिर मैं खुश हो जाऊंगा, फिर दूसरी संसार की चीज से दुख पाए, फिर तंड वन ऊंट वाला हाल। ये भी महापुरुष कह गए, ऊंट थक के आया, खोल दिया गया जो चारा है, उसे नमकीन चीज बड़ी अच्छी लगती है, तो वो किक्कर के ऊपर मुंह मारता है। बबूल का पेड़ बेटे, बबूल हम अपने हिंदुस्तानी में बोलते हैं, कीकर, कीकर के ऊपर अपरबूथा मारता है, अब वो नमकीन पत्ते उसके मुंह में आती हैं, खाता है, लेकिन क्या बाबा क्या हुआ, कांटे भी तो चुभती हैं बेचारे को, क्यों कीकर के साथ कांटे भी हैं,
तू कहता है इधर जो मैं उत्तर क्षमा करना, इधर जो मैं खा रहा हूं अपने उत्तर की ओर, ये दिशा गंदी है, दूसरी दिशा में जाता है पश्चिम की ओर। हाँ वहां भी कांटे चुभती है, ये दिशा भी डायरेक्शन भी गंदी है। फिर वो जाता है पूर्व की ओर, ये दिशा भी गंदी है। फिर दिशाएं बदलता जा रहा है पर वृक्ष को नहीं छोड़ता। ध्यान देना, व्हाट ए वंडर, ऊंट दिशाएं बदलता ही सिंपली चेंजिंग द डायरेक्शन एंड नॉट द ट्री इटसेल्फ। हाँ सिर्फ दिशाएं बदल रहा है ना, कभी दक्षिण की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी पूर्व की ओर, कभी पश्चिम की ओर, फिर चक्कर काट और मुंह छलनी छलनी कर रहा। और कम वक्त आजकल की 20वीं शताब्दी के पढ़े लिखे इंसान, तू केवल प्राणी पदार्थ बदलता जा रहा है पर दृष्टिकोण नहीं बदलता। भी अपना दृष्टिकोण बदल ले नहीं, ये तो रब भी आके समझाए। मेरे जैसे थोड़ा बहुत अगर आपको समझा दे तो बड़ी आपके भाग अच्छे। ऊंट दिशाएं बदलता जा रहा है पर वृक्ष को नहीं छोड़ता, छलनी छलनी होता जा रहा है। इंसान प्राणी पदार्थों को बदलता जा रहा है पर दृष्टिकोण तो नहीं बदलता कि मैं अंतर्मुखी हो जाऊं, मैं अपने आप को अंतर में ले चलूं। आज की नारी की मॉडर्न गर्ल इतनी पढ़ी लिखी, कितनी डिग्रियां तेरे नाम के साथ है, अरे सुशीला नाम कितना छोटा सुशीला, और डिग्रियां कितनी है, देख कितनी डिग्रियां कर ली है, देख जरा MSc, फिर ऑनर्स, फिर आगे PhD, ये कितनी तेरी डिग्रियां लंबी चौड़ी। जैसे कमरा तो हो छोटा और बरामदा उससे तिगना, कमरा तो है 6x6 का और बरामदा क्या है 10x10 का, अच्छा लगेगा बरामदा कितना, नाम सुशीला और डिग्रियां कितनी पता रखी है। आज के इंसान क्या कर रहा है, इतने पढ़ाई है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दृष्टिकोण बदल लूं अपना। इसी जब दुनिया कहती है माया किसे, आजकल बच्चे कहते हैं माया क्या है, यही माया है। तजर्बा करते हुए दुख पाते हुए फिर भी हम वही मर रहे हैं, हम फिर वही जलील हो रही हैं। अनेकों को लव अफेयर करते हुए परिणाम देखा, फिर भी मेरी बेटियां लव अफेयर कर रही हैं, फिर भी मेरे बच्चे धक्के खाते हैं और कहीं ना कहीं अपने मन अड़ाया हुआ है, फंसाया हुआ है। जी कोई पता ही नहीं लगना चाहता कि वो बार मुखता में दुख ही दुख है। बार मुख में ये है कि क्या प्राणी पदार्थ ने खुशी दी, नहीं, आपकी भटकन जो थी वो दूर हुई, इसलिए जीव धक्के खा के मार जाता है फिर बार। हालांकि भगवान ने कहा ये पहले यह अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है, इसमें पहले तो खुशी मिल जाती क्योंकि आपने भटका लिया था, वो भटकन दूर हो गई प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने से, लेकिन क्या हमेशा के लिए खुशी मिल गई, नहीं, फिर वो दुख पा के बाहर जाएगा। थोड़े जे आप जैसे जीव होंगे, अगर मेरी वाणी सत्य बोल रही है तो थोड़े जैसे आप जैसे जीव जो इन राजों में गहराई में उतर जाएंगे, प्रकृति के इन राजों में बड़े गहरे उतर जाते हैं कि नहीं, संसार में केवल व्यवहार करना चाहिए, इनकी प्राप्ति का इंतजार नहीं करना चाहिए, मन भगवान में देना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा था तन काम में मन रहे, अब जीव के लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। तो आप फरमाती हैं क्या कारण है, हम पढ़ भी रही हैं, सुन भी रही है, फिर भी धक्के खाई जा रहे हैं बार मुक्ता में, क्योंकि ये बात गहरी उतरती नहीं, ये बात अंदर आप ले ही नहीं जाते, इसी कारण से आप दुख भी पा रहे हैं फिर बार मुखी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब अपनाने वाला होता है तो वो क्या कहता है, इंसान करे ख्वाहिशे दिल से, वो उनके सब प्रकार की संसार संबंधी कामना छोड़ के पुरुषार्थ करते हैं, जो मुकद्दर में होता मिल जाता है, जो मिल जाए लेकर वही, उनके कामना कोई नहीं, पुरुषार्थ कर रही है ओई होई 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 होई, और जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट है, वो संतोषी है क्योंकि वो अंतर्मुखी हो चुके हैं। बाहर के प्राणी पदार्थ जो हमारी प्रारब्ध में है तो वो उसमें जुटा हुआ है, लगा हुआ है, जो मिल गया ठीक है।
सारी आदमी झूठ मकर फरेब सी और प्राणी पदार्थ को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि समझता है यही सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। जरूर सब कुछ हो जाता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इसमें परिवर्तन ना होता तो, अगर प्राणी पदार्थों में तब्दीली ना आती मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, तब तो इनमें सब कुछ था। लेकिन परमात्मा ने यह अटल नियम बनाया, क्यों बनाया भगवान से पूछो, रो रो के पूछो, गिड़गिड़ा के पूछो, घुटने टेक के पूछो, हाथ पैर जोड़ के पूछो, भगवान आपने ये क्यों नियम बनाया, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूरी, ये अटल नियम क्यों बनाया। अंग्रेजी में कुछ एक फ्रेज है, आपने पढ़ा होगा, कुछ फ्रेज है मेरी बेटी, अच्छा, अपने भावना को प्रकट करने के लिए, जैसे हम वो कहें ये चीज बड़ी हल्की है, तो वो यू बोलेंगे एज लाइट एज फीदर, एज लाइट एज फीदर, ये चीज इतनी हल्की है जितने के पक्षी के पर, वो ये फ्रेज बन गया पूरा, एज लाइट एज फीदर, एज ब्राइट एज डे, ये चीज इतनी चमक रही है जितना के दिन चमकता है, ये आपने देखा, एज लाइट एज फीदर, एज ब्राइट एज डे, एज हैवी एज लेड, लेड का सिक्का, इससे भारी कोई चीज ही कोई नहीं होती, ये इतना भारी है जितना सिक्का, अब आप समझिए ना, उन्होंने ऐसे फ्रेज बनाए हैं। और जब उनकी मां मर गई, क्या जब उन्होंने कहा ये चीज यकीनन होनी है, तो उसके साथ क्या लगाए, एज श्योर एज क्या लगाए, फिर वो बात पादरी के पास गए कि बुजुर्गो आप रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हैं, बताओ ना एज श्योर के अगे क्या लगाए, कि देर पिटे मुंह थोड़ा, ये लिखो ना अगे एज श्योर एज डेप्थ, एज श्योर एज डेप्थ, वाह, ये चीज इतनी यकीनन है जितनी मौत, और उसी को आज का इंसान भूला बैठा है, हाय हाय, उसी को मेरी आयकर पढ़ी लिखी, आहा, पढ़ी लिखी बुद्धू बेटी, एजुकेटेड फूल, नो डाउट वी आर ऑल एजुकेटेड, लेकिन फूल है, असलियत को भूले बैठे हैं, हालांकि एज श्योर एज डेथ, यकीनन शरीर में परिवर्तन आना है और शरीर ने सड़ना है, हम ये भूले बैठे, इसलिए बार मुखी हुए बैठे हैं। प्रश्न करने वाले मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जब तक ये बात गहरी ना उतर जाए, और गहरी माया उतरने का देती है, पर आप में तो सतगुण बढ़ता जा रहा, आप इसलिए आप अपने पर पूरी उम्मीद रख सकती हैं, जिनमें रजोगुण बढ़ता है उनके लिए तो भगवान कहते ये बातें सुनाओ ही नहीं, जिनमें आप में सतगुण बढ़ता है तो मेरे जैसे वो कहते हैं नहीं जरूर ये बातें उनको सुनाओ, जिनमें सतगुण बढ़ रहा है और अपने में एक शानदार तब्दीली लाना चाहती है, अपना कल्याण करना चाहती है, आपके लिए मेरे भगवान कहते जाओ उनको सुनाओ बताओ, ताकि उनको ये राह मिल जाए और अपना कल्याण कर जाए। शाबाश, ये उपदेश रजोगुणी के लिए तमोगुणी के लिए नहीं होता, सतोगुणी जीवों के लिए ये उपदेश होता है, बिकॉज यू आर ऑल डिजर्विंग गुड। छोटे छोटे बच्चों के लिए नर्सरी होती है, उससे बड़े बच्चों के लिए आपके होते हैं प्राइमरी क्लास, जरा उससे और बड़े हो गए तो उसके लिए मिडिल, और बड़े हो गए हाई, उससे बड़े हो गए तो उसके लिए कॉलेज, अगर उससे बड़े हो गए तो फिर यूनिवर्सिटी में जाके हायर स्टडी करें। हाँ, सारे के स्टैंडर्ड अपने अपने हैं, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, जहां तक मन बुद्धि का सवाल है, जहां तक मनोविज्ञान का प्रश्न है, बहुत अच्छा आपका स्टैंडर्ड है, इसलिए आप इन बातों पर गौर करें और एकांत में बैठकर अपने मन को समझाया करें, मनुआ सब कुछ अंतर्मुखता में है, फिर बड़ी जल्दी आपको परमानेंट खुशी मिल जाए, फिर किसी की बात की तमन्ना नहीं रहेगी, इच्छा नहीं आएगी, फिर आपका प्रश्न अपने आप में गलत है, इट इज एंटायरली बेसलेस क्वेश्चन, अंदर से मिलती नहीं, अंदर से मिले तब जब पूर्ण रूपेण मन को बाहर खींच लो, पूर्ण रूपेण अपने आप को हटा लो, जैसे बाप जी पिता ने कहा या माने कहा हम तेरी बहुत अच्छे घराने में शादी करें, तो प्रकार कर दी क्यों नहीं, मनोरमा ने कहा फिर मां क्यों नहीं कर दी, इसलिए नहीं कर दी कि तू बाहर से मन हटा, तू जो बाहर के मित्र बनाए फिरती है बॉय फ्रेंड तो फलाने फ्रेंड हटा दे,
मैं तेरी बहुत अच्छे घराने में शादी कर दूं, मेरा नाम भी कुशल्या नहीं, अगर तेरी अच्छे घराने में शादी न करूं तो बाहर से बनाता पूरा पैदा। मुझे यकीन हो जाए कि मेरी बेटी बाहर से हट गई है, मैं 1000 रुपए लगाऊं और तू बस सही ना उसके साथ, तू हटा फिर मैं तेरी शादी करूं। और नलायक मन तू बाहर से मन हटा, कितनी जल्दी शांति आपको अंदर से मिले, वरना हमारे जैसे को लानत मारो। हमारे जैसे आए क्यों, आपको समझाने के लिए तो आए हैं, अपना तजर्बा उसी तजर्बे पर तो हम आपको जोरदार शब्दों में कह देते हैं, आप जरा हटाओ तो सही है कह करके, ये तो परिवर्तन इसमें है ही कुछ नहीं। इन चीजों को ले लेने के बाद भी फिर भी हमारी मन की तमन्ना शांत नहीं होगी, इवन देन मोर डिजायर मोर डिमांड मोर वांट ऑलवेज वेवरिंग। हाँ समझाओ, जैसे मां ने कहा तू हटा बार किस मन अपना, मैं तेरे अच्छे घराने में कर दूं, हटाओ अपने मन को विड्रॉ कीजिए और देखो कितनी शांति अंदर से, क्योंकि वो मन की बिखरी हुई शक्ति सारी सेंट्रलाइज हो जाएगी। लो लीजिए थोड़े ही दिनों में, अंदर से क्यों नहीं मिलती जनाब, अंदर लगते कब है, अंदर तो वो लगा हुआ है कौन जिसका मन बाहर से हट गया है, जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, या भगवान बोले जो हो मैं वे जात, मैं वे जात भगवान की जात में कौन तरीन हो रहा है, मन से करे दूर सब खर्च करके देख ले मेरी बेटी कि मन बार कुछ भी नहीं है, बार सताई शांति नहीं, हम खुद भटका के टिके हुई शांति को हम भटका लेते हैं, फिर कहते हैं मुझे बार से खुशी, बार से खुशी होती है तो दूसरी का कामना ना उठती, जो कितनी अच्छी बात व्यास जी ने बताई और मेरे जैसे को कल्याण कर दिया। अगर सचमुच बाहर से खुशी मिलती है तो मैंने कितनी कामना पूरी की, क्या हमने पढ़ाई नहीं की, क्या हमने कमाई नहीं की, हाँ फिर इससे क्यों नहीं तसल्ली हुई, आपने शादी नहीं की बच्चे नहीं बनाए क्यों नहीं तसल्ली, फिर क्यों नई नई कामना कर रहे हो, इनमें है ही कुछ नहीं। आहा आहा जनाब, ये 10 मिनट पहले शाम, ओ शाम ये काले रंग का कुत्ता तेरे घर में आया था, आया था तो आपने डाला नहीं, नहीं बच्चों की मां ने डाला, शाम अपनी आंखों से देख, ये कितना अच्छा दृष्टांत महापुरुषों का, ये कुत्ता कहां खड़ा है, पड़ोसी है घर के बाहर, सिर मार रहा है दरवाजा खोलो, जो आपकी कमाई में मेरा शेयर है मुझे दो, कुत्ता सिर भी मारता जी क्या अपना शेयर मुझे दो, तो शाम ये दूसरे घर में क्यों गया कुत्ता, समझ गया बाबा, क्योंकि मेरी श्रीमती ने इसे पेट भरवा भोजन नहीं दिया, पेट भरवा भोजन नहीं दिया तो कुत्ता भी दूसरे तीसरे घर में जाता है, अगर श्याम सुंदर एक ही अपने घर में पेट भरवा देते इसी घर के सामने कुत्ता बैठ के पूछ हिलाता, क्या धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू श्याम, थैंक यू मेरा पेट भर गया। मान कुत्ते की तरह नई नई कामना क्यों करता है, क्योंकि पहली कामना ने इसे पूरी शांति पूरी सेटिस्फेक्शन दी नहीं, इसलिए यह आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाता फिरता है, क्या यहां वहां तहां। तो बेटी मन क्यों बार मुखी हो रहा है, आपको शांति नहीं मिलती, ये यकीन दिलाइए मन को कि तेरा पूरा कल्याण अंतर्मुखता में है, ये यकीन दिला दो, ये यकीन दिला दो मेरे मेरे बुजुर्गो मेरे भाइयों मेरी माताओं मेरी प्रश्न करने वाली बेटियों, आप बार बार यकीन डालो आप बिल्कुल अंतर्मुख जाएंगे, बहुत शानदार इनकलाब आ जाएगा आपके जीवन के अंदर, वरना कितने शौक से आप आते हैं यहां, कितनी दूरी लेकर के आप आते हैं, हर एक व्यक्ति जो भी आया बैठा है ये नहीं कि यहां से निकला है, कितनी दूर से चक्कर कट के आप आ रहे हैं, कितने गांव से आप दूर आ रहे हैं, इसलिए तो आपने ये बसे बनाई है दूर दूर से आने के लिए, बिल्कुल ये बात बिठा लीजिएगा, जब आपके बैठ गई भगवान कह रही हूं तो भगवान की शब्द याद करवा रहा हूं, वो तन मन से करता है भक्ति में, ऐसा जीव दिलो जान से तन मन से भक्ति का मतलब अंतर्मुखी हो जाता है, वाह, भक्ति का मतलब जो बार मुखी था वो अंतर्मुखी हो गया, अब बात बन गई, अब आप रास्ते पड़ गए हैं, अब आपको पता लग गया कि बलदेव नगर पूरब की ओर है, 10 मिनट में 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, पहले आप जा कर रही थी इधर उत्तर की ओर, आप कहां जा रहे थे बलदेव नगर के मन में रख करके इधर आपके दक्षिण की ओर, तो कभी नहीं पहुंच सकते,
इंसान जान कर रहा था बाहर मुखी, अब पता लग गया पूर्वपेन अंतर्मुखी, बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाओगे, बहुत जल्दी, क्योंकि जो शक्ति बाहर बिखरी हुई थी वही शक्ति अंतर में आ जाएगी। आपका प्रश्न अपने आप में गलत है, आपका अपना ही दोष है कि आप अपने मन को सही रूप में समझा नहीं रहे। अगर आप समझा ले बस मन फुर अंदर, आहा ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। भगवान जी आपको बार बार समझा और बता रहे हैं कि ये सुख परमात्मा से मिलता है, पर मिलता उसी को है जो ये जान लेता है और बार मुक्ता छोड़ देता। आज जाइए रोटी रोटी खाइए, कोई और मेहमान आए बैठे हो तो व्यवहार कीजिए, और सोने से पहले आज इस राज पर विचार करना कि ये खुला गए फिर भी ये राज है, क्योंकि जनता उसके अनुसार चलती नहीं, फिर भी ये राज हो गया ना, आपको पता भी लग जाए और फिर भी आप अंतर्मुखी ना हो तो ये क्या है, ओपन स्टिल सीक्रेट, ये खुला है फिर भी राज, राज इसलिए कि आप अपनाते नहीं, आपको पता भी लग गया फिर भी जीवन में न ढाले तो राज ही रहना। भगवान आपको शक्ति दे आप पूर्ण रूपे अपना सके, यही आपके इस हितैषी भगवान के प्यारे और गीता के अनुयायी की हार्दिक तमन्ना है, भगवान जरूर पूरी करेंगे। जाके विचार करो, सोचो, आप इतनी कुर्बानी करके तशरीफ लाती हैं, सारी शाम आप आ रही हैं, इसकी गढ़ाई में उतर जाओ, कल्याण ही कल्याण हो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे इनकलाबी कल्याणकारी भाई। आपका प्रश्न और मेरे भगवान जी का उत्तर, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।